नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। टिकटॉक से प्रसिद्धि की ओर गई बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट के खिलाफ भिवानी में भी प्रदर्शन हुआ। सोनाली फोगाट हमेशा चर्चा में रहती हैं, उन्हें टिकटॉक स्टार भी कहा जाता है, लेकिन कल से वे और ज़्यादा चर्चा में हैं। हर जगह कर्मचारी और कर्मचारी नेताओं द्वारा धरना और प्रदर्शन किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि बीजेपी से उसे निकालने के लिए भी मांग की जा रही है। कठोर सजा के साथ साथ लोग गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं। ऐसा ही धरना और प्रदर्शन हुआ भिवानी में। कर्मचारियों व कर्मचारी नेताओं ने सरकार से सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी की मांग की। धरने पर पहुंचे शहर थाना प्रभारी प्रदर्शनकारियों से सोशल डिस्टेंसिंग की भी अपील करने लगे। पलपल भिवानी से अमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। हिसार के बालसमंद अनाज मंडी में कल भाजपा नेता सोनाली फोगाट द्वारा मार्केट कमेटी हिसार के सचिव पर जूतों से हमला करने की घटना की घोर निंदा करते हुए भिवानी की नई अनाज मंडी में मार्केट कमेटी के कार्यालय के समक्ष कर्मचारियों ने धरना दिया और प्रदर्शन कर बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी की मांग की। इस अवसर पर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के नेता सुख दर्शन व मार्केट कमेटी के नेता योगेश कुमार ने कहा कि मार्केट कमेटी के कर्मचारी व अधिकारी कोरोना योद्धा के रूप में लगातार सेवा का काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी नेत्री द्वारा कोरोना योद्धा पर इस प्रकार हमला करना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार तुरंत प्रभाव के साथ सोनाली फोगाट को पार्टी से बाहर करे और इनके खिलाफ केस दर्ज करे, इतना ही नहीं उसे गिरफ्तार भी करे, अन्यथा सभी कर्मचारी संगठन विरोध स्वरूप सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने सोनाली फोगाट को तुरंत गिरफ्तार करने तथा कठोर सजा की मांग की। वहीं अन्य संगठनों के नेताओं ने मार्केट कमेटी द्वारा चलाए जा रहे धरने और प्रदर्शन का समर्थन किया। उन्होंने पुलिस और सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने दोषी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की बजाय निर्दोष सचिव के विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया ताकि दबाव डाल करके आपसी समझौता करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि यदि इस प्रकार से दबाव बनाया गया तो मामले को शांत नहीं होने दिया जाएगा। आप देख रहे हैं पल पल भिवानी से ये विशेष रिपोर्ट। क्या ये मार्केट कमेटी वाले जो कल के इशार के मैटर को लेकर यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और इनको सोशल डिस्टेंस बारे हिदायत दी गई है और 5 जनवरी को इकट्ठे नहीं होना है, सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल पालन करना होगा। अगर पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब ये सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए धरने पर बैठे हैं। मैं सुखदर्शन सरोवा सर्व कर्मचारी संघ का जिला प्रधान। आज का जो हमारा जो यहाँ धरना है वो जो कल हिसार के अंदर जो मार्केटिंग कमेटी के जो सेक्रेटरी के साथ जो बीजेपी की नेत्री उसने जो बदतमीजी की है और उसके साथ जो मारपीट की है उसके खिलाफ धरना है और हम सरकार से मांग करते हैं कि उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे और उसको गिरफ्तार करे। अगर सरकार गिरफ्तार नहीं करती है तो कर्मचारी एक बहुत बड़े आंदोलन की तरह अग्रसर होंगे, उसकी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की होगी। शर्मा किस प्रकार की मांग को लेकर चले? आप सबको पता है, पूरे हरियाणा को पता है, पूरे भारत को पता है, एक हमारा एक ईमानदार सेक्रेटरी सुल्तान सिंह जो हिसार में कार्यरत थे, सोनाली फोगाट ने चप्पलों से 24 घंटे ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों के चप्पलों से पिटाई की। इससे ज्यादा मजाक और क्या होगा, इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या होगी। सरकार मुख्यमंत्री जी बताते हैं हम बहुत ईमानदार हैं, लेकिन अभी ईमानदारी कहां गई? जिसने भी ये कार्य किया था बीजेपी के नेता ने उसको 5 मिनट के अंदर अंदर ठोकना था। अगर सचिव ने गलत किया था तो उसने FIR दर्ज करवानी थी, उसने महिला आयोग में जाना था, उसने महिला आयोग में जाके और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी थी। इसका मतलब ये नहीं कि कानून अपने हाथ में ले लो और चप्पल जूतों से पिटाई करने लग जाओ। ये कि सोनाली फोगाट को जो भी कानून है, जो भी दंड है, जो भी धाराएं हैं उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें और उसको जल्दी से जल्दी अंदर करें।